Hey guys, hello everyone, welcome back. So, आज के इस वीडियो में हम वापस आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जैसे कि आप लोगों ने पुराने वीडियोस में तो देखा ही होगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस साथ में उनके एक्सप्लेनेशंस कि उससे रिलेटेड कोई और टॉपिक हमारे एग्जाम्स में ना आ जाए। तो इसीलिए यहाँ पे दिसंबर तक के हम लोगों ने कर लिए थे, अब यहाँ पे जनवरी, फरवरी एंड मार्च हमारा जितना कंप्लीट हो चुका है, टॉप 50 क्वेश्चंस में आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ विद देयर एक्सप्लेनेशंस। तो कुछ नहीं करना है, बने रहिए। आपके कंपटीशन के जो भी एग्जाम्स अब आ रहे हैं, लाइक एसआई का जो एग्जाम आ रहा है, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स। सबके सिलेबस में आपके टॉपिक इंक्लूड है, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, एंड तक इस वीडियो को देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद नंबर वन। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड एग्रो इकोलॉजिकल बेस्ड प्रोग्राम नेम जीवा? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है? दैट इज नाबार्ड। नाबार्ड की यहाँ पे फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इट एम्स टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग अंडर नाबार्ड्स वाटर एंड वाडी प्रोग्राम इन 11 स्टेट्स कवरिंग 5 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। इट एम्स टू नर्ज द फार्मिंग कम्युनिटी टुवर्ड नेचुरल फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा ऑन द स्क्रीन गाइज। विच बॉडी रेगुलेट्स द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? दैट इज सेबी। सेबी की फुल फॉर्म है हमारी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर थ्री, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फंक्शंस अंडर द एगिस ऑफ विच इंस्टीट्यूशंस? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्टर हमारा कौन है, आप लोगों को सबको याद होना चाहिए, निर्मला सीतारमन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, लॉन्च द फर्स्ट कलर सोवेरियन कॉइन ऑन पंचतंत्र ऑन द ओकेजन ऑफ 17th फाउंडेशन डे ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। गाइज, इनके क्वेश्चंस के साथ में जो मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इससे स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। और साथ साथ में चलिए हम लोग हमारे क्वेश्चंस पे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, विच इंडियन स्टेट हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ किलिंग्स एज अ पार्ट ऑफ विच हंटिंग एज पर एनसीआरबी? यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एनसीआरबी की फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। एग्जाम्स में फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो करके जाइएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, जिनजियांग रीजन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में है? दैट इज चाइना। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज कंडेम्ड चाइना फॉर रेसियल एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इन द हिंजिंग रीजन। क्वेश्चन नंबर सिक्स के साथ में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे हूँ। एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे इज लोकेटेड इन विच कंट्री? दैट इज चिले। अ टीम ऑफ साइंटिस्ट अंडर द एटाकामा लार्ज मिलीमीटर एंड सब मिलीमीटर एरे इन चिले टू ऑब्जर्व अ न्यू बॉर्न स्टार, दैट इज प्रो स्टार, इन द WB89789 रीजन। इट इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीम आउटर गैलेक्सी। क्वेश्चन नंबर सेवन, द सब्सिडियरी ऑफ विच इंडियन कंपनी साइंड एग्रीमेंट ऑन जॉइंटली डेवलपिंग द Trincomalee ऑयल टैंक फॉर्म? दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सब्सिडियरी लंका IOC इज सेट टू रन द 14 ऑयल स्टोरेज टैंक वाइल CPC वुड रन 24 टैंक्स। क्वेश्चन नंबर एट, कुत्तकत्ती लॉ विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज प्रैक्टिस इन विच इंडियन स्टेट? दैट इज झारखंड। इसका ए मैन वॉज बीटन बाय सम विलेजर्स, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, अ मैन वॉज बीटन बाय सम विलेजर्स फॉर एलिगेटी कटिंग ऑफ ट्रीज इलीगली एंड सेलिंग दैम। द मैन वॉज बर्न्ड अलाइव इन फ्रंट ऑफ पुलिस फॉर वायोलेटिंग द कंतकांति लॉ। कंतकांति सिस्टम इज अ ट्रिब्यूनल। कंतकांति सिस्टम का यहाँ पे मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। कंतकांति सिस्टम इज अ ट्रिबल लिंगेज बेस्ड सिस्टम ऑफ ज्वाइंट होल्डिंग ऑफ लैंड्स। According to the system, the Munda tribals would clear the trees and prepare the land for farming, which would then belong to the entire clan instead of a single person. Yaad rakhiyega. Question number 9. Japan recently signed reciprocal access agreement (RAA) with which country? Kaun si country ke saath mein signed kiya hai? That is Australia. This agreement has been signed amidst the expansion of China's military and economic influence in that region. Japan's only other military pact is with the United States. Question number 10 है, आ गए हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। आई थिंक आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी कोई भी शिकायत है या कुछ भी आप लोगों को बात करनी है ना, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ये गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द थीम ऑफ विच स्पेशल डे?
कौन सा स्पेशल डे? दैट इज नेशनल साइंस डे. द थीम फॉर दिस ईयर्स नेशनल साइंस डे इज अनाउंस्ड एज इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर. नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया 28 February. क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कब नेशनल साइंस डे आपका सेलिब्रेट होता है. दैट इज 28 February टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट बाय इंडियन साइंटिस्ट सर CV रमन. तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट कर लिए हैं. एक 5 सेकेंड्स का हम लोग यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से. याद रखिएगा टॉप 50 क्वेश्चंस करने हैं. लास्ट के क्वेश्चंस आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर. और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा. ओके गाइज, तो 5 सेकेंड्स का आपका ब्रेक ओवर हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को. क्वेश्चन नंबर 11, मेडारमन जतारा इज अ फेयर सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? दैट इज तेलंगाना. मेदारम जतारा इज द सेकेंड लार्जेस्ट फेयर ऑफ इंडिया. सेकेंड लार्जेस्ट फेयर है, याद रखिएगा. मैं कौन सा मेदारम जतारम कहां पर होता है? तेलंगाना में, आफ्टर कुंभमेला. कुंभमेला हमारा नंबर 1 का टॉप हमारा जो है फेयर है, फेयर ऑफ इंडिया. उसके बाद में आता है हमारा मेदारम जतारा, सेलिब्रेटेड बाय कोयर ट्राइबल्स कम्युनिटी ऑफ तेलंगाना फॉर 4 days, याद रहेगा. क्वेश्चन नंबर 12, इल्कर आईसी फॉर्मर टर्किश एयरलाइन चेयरमैन has been appointed as an MD and CEO of which Indian airline? That is Air India. ठीक है, the Tata Group has appointed Ilkan Aysi, former Turkish airline chairman, as Air India's managing director and CEO. Question number 13 हमारा, which Union Minister launched a new frontier program as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav? That is Ministry of New and Renewable Energy. Ministry of New and Renewable Energy is conducting a 3-day program, New Frontiers on Renewable Energy. This has been conducted as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebration. Question number 14, legal mining of bajri has been initiated in which state? That is, of course, Bajra Rajasthan se initiate karta hai. Environment clearance has been issued to as many as 60 mining areas and large legal mining of bajri is initiated in Rajasthan. Question number 15, which is the first institution set up under the National River Interlinking Policy? That is hamara Ken Betwa Link Project Authority. The central government has constituted the Ken Betwa Link Project Authority to implement the first initiative under the National River Interlink Policy. Guys, ye jo main aap logo ke sath mein discuss kar rahi hu yahan pe jo questions related keyword hai ya fir important line hai उसको याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन की जगह हमारे क्या होता है इसमें जो आपका नीचे मैंने एक्स्ट्रा में लाइन दे रखी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो जो मैं रिपीट कर रही हूँ उसे याद रखिएगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16, विच इंस्टीट्यूशन होस्ट द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट? दैट इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन. द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन होस्टेड द लार्जेस्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द समिट, विच वॉज बेस्ड ऑन द थीम टूवर्ड ए रेसिलियंट प्लैनेट एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर. क्वेश्चन नंबर 17, वॉट इज द आउटले ऑफ प्राइम मिनिस्टर आवास योजना इन द यूनियन बजट 2022-23? क्या रहा है आउटले? दैट इज 48,000 करोड़. फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया है, निर्मला सीतारमन हमारे क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर, याद रखिएगा. अलोकेटेड 48,000 करोड़ टुवर्ड कंप्लीशन ऑफ 80 लाख हाउसेस अंडर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना इन रूरल एंड अर्बन एरियाज ड्यूरिंग 2022 and 2023. रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर अप्रूव प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर ओवर 60,000 हाउसेज अक्रॉस 5 states, दैट इज आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका एंड राजस्थान. क्वेश्चन नंबर 18, विच इंस्टीट्यूशन हैज ऑर्गेनाइज्ड धरकातन 2022 इनिशिएटिव टू फाइंड सॉल्यूशंस टू काउंटर डार्क नेट मार्क्स? दैट इज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो. नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो किसकी शॉर्ट फॉर्म, किसकी फुल फॉर्म है? एनसीबी की. एनसीबी हैज ऑर्गेनाइज्ड धरकातन 2022 इनिशिएटिव टू फाइंड सॉल्यूशंस टू काउंटर डार्क नेट मार्केट. क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, इंडिया साइंड अ लॉट ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी विद विच कंट्री? कौन सी कंट्री है? विद ऑस्ट्रेलिया. इसमें देखिए LOI लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, याद रखिएगा उसको, ठीक है. लेटर ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट LOI ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी. इट एम टू स्केल अप मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अल्ट्रा लो कॉस्ट सोलर एंड क्लीन हाइड्रोजन.
एम है, क्या एम है इसको साइन करने के पीछे, वो भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. गति शक्ति इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म विच विल ब्रिंग 16 मिनिस्ट्रीज टूगेदर फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 20 हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं. अब बारी आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 21 से. चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप 5 सेकंड्स का ब्रेक अगेन ले सकते हैं, पर नहीं तो कंटिन्यू चलिए. क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया अलोंग विद विच कंट्री एग्रीड ऑन रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस, दैट इज फ्रांस. द एग्रीमेंट एम टू कॉन्ट्रीब्यूट टू साइंटिफिक नॉलेज एंड ओशियन कंजर्वेशन एंड एनश्योर दैट द ओशियन रिमेन अ ग्लोबल कॉमन. It was made during External Affairs Minister S. Jaishankar's. Yaad rakhega, External Affairs Minister kaun hai hamara? Jaishankar's. 3-day visit to France. Next 22. CEPI has announced partnership with which Indian pharma company to develop COVID vaccine. Yaad rakhega, COVID. I hope aap log sab jante hain. COVID ab ja chuka hai. Sab free ho chuke hai. Sare mask hat chuke hai. Yahan se nahi to abhi video mein bhi main mask laga ke baithi hoti. ठीक है, तो CEPI has announced partnership with which Indian pharma company to develop COVID vaccine, that is Panacea Biotech. Coalition for Epidemic Preparedness Innovations will partner with the consortium comprised of the Translations Health Science and Technology Institutions, both Harvard and Worcester Slang mein, and Panacea Biotech to develop COVID vaccine. Which country topped the medal Italy in the 2022 Beijing Water Olympics? कौन सी कंट्री ने टॉप किया था? That is Norway. For the second gap in the row, Norway topped the medal Italy in the 2022 Beijing Winter Olympics with the 16 golds. Oh my God. It was followed by Germany with 12 golds and China with 9. Which region is affected by a storm cluster including 3 storms, Eunice, Franklin and Dudley? That is Europe. Storm Eunice, it was one of the most powerful tempests in Europe since the great storm hit Britain and northern France in 1987. Over 15 people were killed by falling trees, flying debris, high winds in Britain, Ireland, the Netherlands, Beijing, Germany and Poland. Question number 25, where is the headquarter of the United Nations Conference on Trade and Development located? That is Geneva. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है. यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1964 एट जिनेवा स्विट्जरलैंड. जिनेवा कहाँ पे है? हमारे स्विट्जरलैंड के अंदर. विद एन एम टू प्रमोट ट्रेड अमंग डेवलपिंग कंट्रीज. ये हमारा जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका एम क्या होता है? टू प्रमोट ट्रेड अमंग डेवलपिंग कंट्रीज. क्वेश्चन नंबर 26, विच अफ्रीकन कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ पोलियो आउटब्रेक? कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर किया है? दैट इज मालावी. ठीक है, वेयर वॉज द 6th अफ्रीकन यूनियन यूरोपियन यूनियन समिट हेल्ड? दैट इज ब्रुसेल. द 6th अफ्रीकन यूनियन यूरोपियन यूनियन समिट वॉज हेल्ड ऑन 17th फरवरी. याद रखिएगा डेट, 17 फरवरी से 18 फरवरी में हुआ ये 2022 एट ब्रुसेल, वेयर हेड्स ऑफ मेंबर स्टेट्स ऑफ अफ्रीका यूनियन एंड यूरोप यूनियन पार्टिसिपेटेड. Question number 28, who has been conferred with Hilal-e-Pakistan the second highest civilian award in Pakistan in 2022, that is Bill Gates. This award has been dedicated to him on account for the foundation's continuing effort to eradicate polio and to reduce poverty in Pakistan. With reference to plastic packaging, what does EPR stands for? EPR ka matlab kya hota hai? Extended producer responsibility. Theek hai? अब हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 30 पे. आई होप आप लोगों को बोर नहीं हो रहा होगा. हो रहा होगा तो आप जा सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेके आ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके. वीडियो बंद करके नहीं जाना है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 30, द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द मेट्रो प्रोजेक्ट इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री में? पुणे में. पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट हैज बीन अंडरटेकन बाय MAHA मेट्रो SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल फॉर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. The Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 12-kilometer stretch of the total 32.2-kilometer Pune Metro Rail project. I think मुझे भी ब्रेक लेने की जरूरत है. 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 5 सेकेंड्स का ब्रेक गाइज, उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे विद 31.
ओके गाइस, तो ब्रेक हमारा यहाँ पे ओवर हो चुका है। हम आए हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 31 के साथ में। गाइस, अगर आप लोग करंट अफेयर्स की आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, करंट अफेयर्स कर रहे हैं, एग्जाम आने वाला है कोई, तो ये आपका बेटर चांस है जहां पे आप लोग आपकी नॉलेज को क्या कर सकते हो, एग्जामाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चंस देखने हैं, आंसर अपने आप से बोलो, उसके बाद में आप लोगों को होना चाहिए कि भाई मैं बता रही हूँ आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग, राइट है कि रॉन्ग है। आप लोगों को उसे क्या करना है, टेस्ट करना है अपनी नॉलेज को, जीके की नॉलेज को। राइट, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप लोग क्या करना है, अपनी नॉलेज को टेस्ट करते रहना है। और जो बच्चे जिन्होंने जो वो स्टूडेंट्स जो करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस इन्हीं तरीके की वीडियोस से करते हैं, तो उन्हें क्या करना है, एक पेन पेपर लेके बैठना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आप लोग लगते हैं, कीवर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चंस के अंदर, उन्हें राइट डाउन करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच इज द वेन्यू ऑफ द इंडियन ग्लोबल फोरम इवेंट इन 2022, दैट इज बैंगलोर। Which state UT has inaugurated school health clinics? That is New Delhi. The Delhi government has recently inaugurated individual health clinics in 20 government schools. ठीक है, they were inaugurated by Deputy Chief Minister, Education Minister. कौन है हमारे Deputy Chief Minister and Education Minister? That is Manish Sisodia. याद रखिएगा name. ठीक है, 33 हमारा question है, Tayam and Kaliyatam is a ritual dance performed in which state? That is Kerala. Tayam and Kaliyatam is a 800-year-old ritual dance performed in the state of the Kerala. It exhibits folk dance and art, thereby displaying the ancient tribal cultures. 34 question hamara, what is the objective of the Jan Aushadhi Bal Mitra program? That is educate children on PMBJP. PMBJP ki full form yahan pe kya hai, main aap logo ko bata deti hu. PM Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana. याद रखिएगा। ठीक है, जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम हैज बीन कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री एट 75 लोकेशंस। क्वेश्चन नंबर 35, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज कंस्टिट्यूटेड स्वदेश दर्शन अवार्ड, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ऑफकोर्स दर्शन की यहाँ पे बात आ रही है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, टूरिज्म की मिनिस्ट्री चाहिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज कंस्टिट्यूटेड स्वदेश दर्शन अवार्ड टू एक्नोलॉज द एफर्ट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। एज पर अ रिसेंट प्रोजेक्ट, as per a recent report, what is the contribution of YouTube creator system to India GDP in 2022? तो क्या रहा है contribution? वो है हमारा 6800 करोड़ रुपीस का। As per a new report by independent consulting firm Oxford Economics, YouTube's creator ecosystem contribute 6800 करोड़ to the Indian GDP. क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द न्यू मोटो ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर, दैट इज भविष्यो रक्षति रक्षित, रक्षति सुरक्षित। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, ओके क्वेश्चन नंबर 38, द बैरेंट सी व्हिच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंट इज लोकेटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ व्हिच टू कंट्रीज, कौन सी टू कंट्रीज है जिनके कोस्ट पे सिचुएटेड है, दैट इज रशिया एंड नॉर्वे। Which institution organized the National Innovation Conclave on Low Carbon Technologies, that is Bureau of Energy Efficiency? Bureau of Energy Efficiency commemorate its 20th Foundation Day by organizing the National Innovation Conclave on Low Carbon Technologies. Yaad rakhiyega. Ukrainian share border with how many European Union member state, that is 4. Which country proposed P3? P3 ka matlab kya hai? Pro Planet People Movement during the WEF Davos Agenda 2022, that is India. Senior Bureaucrat Vikram Dev Dutt. Yaad rakhega name, theek hai? Senior Bureaucrat Vikram Dev Dutt is a new chairman and managing director of which organization? Maine pehle bhi ye question aap logo se discuss kiya hai, usme name yahan pe mention nahi tha, ab isme name mention hai, answer hoga aapka Air India. Theek hai? Which tennis star was deported from Australia after his unvaccinated status? That is Novak Djokovic. I hope मैंने name बिल्कुल सही pronounce किया है, आप लोग देख सकते हैं screen के ऊपर। Question number 43 हमारा, what is the name of the phenomena that describe record number of people leaving their job during the COVID pandemic? That is
The Great Resignation. The Great Resignation is a phenomenon that described record number of people leaving their job during the COVID-19 pandemic. Many studies have indicated that the pandemic is the single largest factor behind higher attribute rates across the world, including India. Question number 44. Which Indian state constituted the Justice Hema Commission, that is Kerala? Question number 45 hamara. Megha Mela 2022 is an annual religion fair held in which state, that is Uttar Pradesh. Yaad rakhiyega, theek hai, 47 day annual religion fair tha ye hamara. Which technology platform launched the Jagruk voter campaign, that is Twitter. ट्विटर ने लॉन्च किया है, ठीक है, जागरूक वोटर कैंपेन. इसमें कैंपेन में क्या बताया गया है? माइक्रोबायोलॉजिकल प्लेटफॉर्म ट्विटर लॉन्च द जागरूक वोटर कैंपेन विच एम टू एम्पावर सिटीजन्स विद राइट नॉलेज बिफोर दे वोट. क्वेश्चन नंबर 47. द मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, शॉर्ट फॉर्म है, याद रखिएगा, ठीक है, विच वॉज रिसेंटली फ्लाइटेड टेस्टेड वॉर डेवलप्ड इन विच कंट्री, दैट इज इंडिया. 48. Parak, which was seen in the news recently, is a portal associated with which field, that is student learning assessment. I hope आप लोग बहुत happy feel कर रहे हो क्योंकि last के दो questions only बचे हुए हैं. बहुत bore कर दिया मैंने आप लोगों को, right? चलिए question number 49. Gulabo, which recently passed away at the Van Vihar National Park and Zoo, Bhopal, is क्या था ये Gulabo? ये था हमारा sloth bear. India's oldest sloth bear named Gulabo died at the age of 40 at a Van Vihar National Park and Zoo in Bhopal. Question number 50. Central Institute of Classic Tamil is located in which city, that is Chennai. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new building of the Central Institution of Classic Tamil in Perumbakkam on the outskirts of the Chennai city. तो इसी के साथ में आप लोगों के टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं. आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, मजा आया होगा. कुछ भी क्वेरी है या कुछ भी सजेशन है वीडियो को लेके तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है गाइस. कमेंट करना मत भूलिएगा. वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए